और मैं सरकार साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जो किसान भरके हुए बैल को काबू कर सकते हैं, वो भरकी हुई सरकार को भी काबू में लाना जानते हैं, उनको कोई भड़का नहीं सकता। दूसरी बात ये कहते हैं कि हम किसानों के फायदे के लिए कानून लेकर के आए हैं। मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि ये किसानों के फायदे के लिए बिल लाए हैं। किसानों को ये भला करना चाहते हैं, लेकिन किसान चाहते हैं कि ये भलाई हमको ना मिले। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि बड़े पैमाने पे झूठ बोली गई है, बड़ा पैमाने पे प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि सिर्फ पंजाब के किसान ही क्यों विरोध कर रहे हैं। बिहार में 2006 में जब बाजार समिति को समाप्त किया गया तो यही बात कही गई थी कि बाजार समिति समाप्त हो जाएगा, बाजार समिति में जो करप्शन होता है वो करप्शन समाप्त हो जाएगा और किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज बिहार के किसानों की क्या हालत है उस पर एक घुमंतू पत्रकार है पुष्मित्र जी, उन्होंने एक किताब लिखी है रुकतापुर, उसमें जाकर के देखिए कि 2006 में जो बाजार समिति समाप्त की गई उसके बाद किसानों के फसल का क्या हुआ है, उनकी आमदनी का क्या हुआ है। ये इतना बड़ा झूठ बोला गया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा ये है कि ये देश में किसानों के फसल की खरीद फरोख्त को कुछ धन्ना सेठों के हाथ में सिमेट देना चाहते हैं। ये कहते हैं कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच पाएगा। किसान पहले भी अपनी फसल कहीं बेच सकता था, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। और आप कहते हैं कि दूसरे राज्य में भी किसान जाकर के अपने फसल को बेच सकता है। आप जो लोग खेती किसानी करने वाले लोग हैं, हम लोग बालकनी में गमला में पुदीना नहीं उगाते हैं, खेत में काम करते हैं। आप बताइए कि हमने टमाटर उगाया है, टमाटर को जब हम खेत से तोड़ेंगे तो टमाटर को क्या बिना प्रोसेसिंग किए हुए हम हरियाणा ले जा सकते हैं? तमाम तरीके की झूठ इस किसान बिल के संबंध में बोला जा रहा है। सीधी बात यह है कि आज इस देश में जो हम लोगों ने राजनीति का एक मॉडल देखा है कि जो लोग सरकार बहादुर को चंदा देते हैं हेलीकॉप्टर पे उड़ने के लिए, उनको जो इलेक्शन में कमीशन मिलता है, कहते हैं ना वन नेशन वन कमीशन की योजना का साजिश यह है कि इस देश में जिन धन्ना सेठों के कमीशन से यह सरकार चुनाव लड़ती है, चुनाव में हेलीकॉप्टर उड़ाती है, आसमान में उड़ती है, उन्हीं कमीशन के बदौलत ये इस देश के किसानों की धरती को उनके हाथों में गिरवी रख देना चाहते हैं। वन नेशन वन कमीशन की योजना ये है कि पूरे देश में चाहे किसान हो, मजदूर हो, BSNL हो, रेलवे हो, तमाम तरीके के संस्थानों को ये अपने प्रिय दोस्तों के हाथ में बेच देना चाहते हैं। और ये जो बिकवाली है, ये बात याद रखिएगा कि आज के किसान जब इस बिकवाली का विरोध कर रहे हैं तो ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सबसे पहले इस देश के मिडिल क्लास और गरीबों की लड़ाई है। मिडिल क्लास और गरीबों की लड़ाई कैसे है आप देखेंगे, हम पटना में बात करते हैं। जब बख्तियारपुर के किसान, भंडारक के किसान सब्जी लेकर के सुबह सटल से आते हैं पटना, तो तमाम मंडियों में सब्जियां पहुंचती हैं और वहां पर कंपटीशन होता है। और मिडिल क्लास के जो लोग हैं, झोला लेकर के 5 दुकान में घूम करके सस्ता भिंडी और सस्ता मिर्च खरीद लेते हैं, लेकिन जब किसानों की खरीद फरोख्त का अधिकार एक कंपनी के हाथ में होगा, तो जैसे इस देश में आपको याद होगा कि BSNL जब रेट तय करती थी, BSNL के पास जब लाइसेंस था तो प्राइवेट कंपनियां कंपटीशन में फ्री जियो धनाधन करा रही थी। जब से BSNL समाप्त हो गया है तब से आप देख लीजिए कि लगातार मोबाइल के इस्तेमाल करने का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पूरी की पूरी लड़ाई में एक बात है कि अगर दूसरे उत्पाद को उपजाने वाले या बनाने वाले जो लोग हैं वो उसका MRP तय कर सकते हैं, तो क्या किसान अपने फसलों का MSP नहीं तय कर सकते हैं? और किसान क्या मांग रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि आपने कानून बनाया है तो सबसे पहले जो आप ये दावा करते हैं कि MSP समाप्त नहीं होगा, तो आप यह बात कहिए, आप यह बताइए कि अगर कहीं भी MSP से कम पे खरीद होती है तो ये एक आपराधिक काम होगा, उसके ऊपर क्रिमिनल केस किया जाएगा। आप बिहार का उदाहरण लेकर के देख लीजिए,
तमाम फसलों का जो एमएसपी तय किया जाता है उस एमएसपी से नीचे धान की खरीद होती है, मक्के की खरीद होती है, गेहूं की खरीद होती है। अभी तो सिर्फ कुछ अनाजों का एमएसपी तय किया जाता है। मैं कहता हूं कि हम सिर्फ अनाज खा करके जिंदा नहीं रहते हैं, हमको तेल की जरूरत पड़ती है, हमको टमाटर की जरूरत पड़ती है, हमको सब्जियों की जरूरत पड़ती है। क्या किसी भी चीज का एमएसपी तय किया जाता है? आप किसानों के बारे में सोचिए, जब अपने खेत में वो गोभी तोड़ करके मंडियों की तरफ चलते हैं और कहते हैं जो वहाँ पे मंडियों में बैठने वाले लोग हैं कि आज गोभी बहुत उतर गया है इसीलिए आपको गोभी का रेट नहीं मिलेगा। इतना कम रेट मिलता है किसानों को कि कई बार वो खेत में ही फसल छोड़ देते हैं। ये जो इस देश में अन्नदाताओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, और इस अत्याचार में जो सबसे साजिश वाली बात ये है कि इस देश में नारा लगा जय जवान जय किसान, आज किसानों को जो खेत में अपने देश में अपने लोगों को अनाज पहुंचाने के लिए खिलाने के लिए शहादत दे रहे हैं, जिनके बच्चे बॉर्डर पे शहादत दे रहे हैं, आज कि जवानों के पिताजी के ऊपर उन्हीं जवानों के द्वारा लाठियां भिजवाई। हमारा आप तमाम लोगों से आग्रह है, और एक बार यहाँ जो मौजूद हैं तमाम किसान संगठन के लोग, उनके तमाम नेताओं को और आप तमाम साथियों को बधाई देते हुए उनका स्वागत करते हुए कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई को हमको जय जवान जय किसान और जय संविधान के तौर पे लड़ना पड़ेगा, और इस देश की सरकार को बताना पड़ेगा कि इस देश में जो कमाने वाले लोग हैं उनके कमाने के अधिकार को, उनके काम को, उनके फसल के दाम को और लोगों के पढ़ने लिखने काम करने के अधिकार को आप छीन नहीं सकते हैं। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, और इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में, किसानों मजदूरों आम लोगों को बचाने की इस लड़ाई में हम लोग कंधे से कंधे मिला करके खड़ा है। हम किसान नहीं है लेकिन हम किसान परिवार से आते हैं, और हम ये जानते हैं कि किसान अगर अनाज नहीं उगाएगा, आप सोचिए कि अगर किसान मशरूम नहीं उगाएगा तो मोदी जी का गाल जो है वो टमाटर की तरह टूटो लाल होगा। तो जो मशरूम वो खाते हैं, मैंने तो कहा एक जगह ये बात कि काश हमारे किसान मशरूम के साथ थोड़ा शरम भी उगा पाते, और इस देश के बेशर्म नेताओं को फ्री धनिया स्कीम में जो है थोड़ा शरम भी दे पाते, तब इनको समझ में आता कि किसान आज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक आखिरी उदाहरण के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। दिल पे हाथ रख करके आप एक बात भी सोचिएगा, इस देश में कलेक्टर साहब का बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, एक्टर साहब का बेटा एक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर साहब का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, फार्मर साहब का बेटा फार्मर क्यों नहीं बनना चाहता है? आप सबके लिए, हमारी रगों में दौड़ने वाले खून के लिए, सांस के लिए अनाज सबसे बुनियादी जरूरत है। उसको पैदा करने वाले जो किसान हैं, वो अपने बच्चों को किसान क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? क्यों हमारे पिताजी ने कहा कि जाओ दिल्ली तैयारी करो कलेक्टर बन जाओ, क्यों उन्होंने नहीं कहा कि गांव में रहो खेती करो फार्मर बनो? और कहते हैं कि अन्नदाता धरती पर सबसे बड़े महान काम में लगे हुए हैं। आज अन्नदाता अपने बच्चों को किसान क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? इसीलिए नहीं बनाना चाहते हैं कि उनको मालूम है कि हार तोड़ मेहनत करने के बाद जब वो अपने फसल को बेचने के लिए जाएंगे तो उनका फसल ही उनके लिए फांसी का फंदा बना दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था देश के अंदर की गई है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए देश के जो किसान हैं उनके पक्ष में हम तमाम लोगों को, चाहे हमारा कुछ भी प्रोफेशन हो, हमारा कोई भी वर्ग हो, उनके साथ हमको खड़ा होना चाहिए। और हमको ये सोचना चाहिए कि किसानों को बदनाम करने की जो साजिश है, इस बदनामी से हमको घबराने का जरूरत नहीं है। और एक उदाहरण आप लोग जानते हैं कि जब किसी विधवा की जमीन कब्जा करना हो तो सबसे पहले उसका चरित्र हरण किया जाता है, सबसे पहले उसको दायन होने का आरोप लगाया जाता है। और आज जब देश के किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो टीवी स्टूडियो में बैठे हुए बिके हुए पत्रकार किसानों को बदनाम कर रहे हैं।